मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे, आपका मित्र, आप सभी के लिए आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। एमकॉम, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स 2018-19 की प्रॉस्पेक्टस में बताने जा रहा हूँ। डिटेल हर एक चीज़ बताऊँगा, फीस से लेकर के, सिलेबस से लेकर के, पासिंग मार्क से लेकर के, सेंटर कहाँ है, कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है, किससे समस्या आने पर कौन कहाँ कब कैसे आपकी मदद करेगा। तो मित्रों शुरुआत करते हैं। इस कोड का नाम है M17। M मतलब M.com, 17 मतलब 17, इनका कोड है, सब्जेक्ट कोड है। अब मैं बता दूँ, पुणे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी या दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन कॉमर्स में होने के बाद आप डायरेक्ट यह पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। वाइसमू यशवंतराव चौहान, महाराष्ट्र मुक्ति विद्यापीठ से। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ड्यूरेशन कितना है, मीडियम क्या है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, स्टडी सेंटर, इंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। ध्यान से लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिएगा मित्रों। मेरा उद्देश्य है कि आपका एमकॉम अच्छे से हो जाए। जिनको जानकारी नहीं उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिए, उनका भला हो जाएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए, ऐसी वीडियो आपको लगातार चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करके मेरे मित्र बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह जो है, मराठी और इंग्लिश दो भाषाओं में यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एक्चुअली कम्युनिकेशन केवल इंग्लिश रहेगा, बुक्स जो मिलेंगी इंग्लिश में मिलेंगे, क्योंकि एमकॉम लेवल के सब्जेक्ट्स ना, उनको मराठी वर्ड ढूंढना या हिंदी वर्ड ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंग्लिश मीडियम की बुक्स मिलेंगी, जबकि इंग्लिश और मराठी दोनों में। तो हम बात कर रहे थे मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम रहेगा, सब्जेक्ट पूरा इंग्लिश मीडियम में रहेगा, बाकी पढ़ने के लिए हिंदी नहीं मराठी चल। अब आते हैं पेपर के मार्क्स की। दो पार्ट में होता है, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर दो सेमेस्टर होता है, सेकेंड ईयर में भी दो सेमेस्टर होता है। 400 मार्क का, दो साल में 800 मार्क का पूरा एमकॉम प्रोग्राम आपका होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसका कोड M17 है। देखो हर सेमेस्टर में आपको दो सब्जेक्ट मतलब लेना ही है, दैट इज़ कंपल्सरी सब्जेक्ट। आई विल टेल यू, कंपल्सरी इन द सेंस ये कंपल्सरी सब्जेक्ट, दो कोड, COM 111, COM 112। और उसके बाद जैसे आपको कोई बोलता है एमकॉम किस में कर रहे, तो बच्चे हिल जाते हैं, ज़मीन से कांप जाते हैं। मैं आपको बता दूं एमकॉम भी कितने सब्जेक्ट में होता है। पहला है अकाउंटिंग ग्रुप, दूसरा है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, तीसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप, चौथा है बैंकिंग एंड फाइनेंस ग्रुप। ये चार में एमकॉम होता है, इसमें से चारों ICM दे रहा है, इसमें से कोई आप एक ले सकते हैं। फिर से सेमेस्टर दो में जाएंगे, फिर से सेमेस्टर सेकेंड में 6 महीने बाद आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पढ़ना मैंडेटरी है। फिर से आप अगर अकाउंटिंग में हैं तो अकाउंटिंग लेकर चल सकते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप लेके चल रहे हैं तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा हो गया, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग जो लेके चलना चाहते हैं कंटिन्यू करो सेम चीज़ में। जनरल इलेक्टिव क्या है, फिर एनीवन लेना ही है ऑडिट कोर्स में से, ऑफिस टूल कम्युनिकेशन ग्रुप। चलिए अब सेकंड ईयर में चलते हैं, 400 मार्क्स के लिए, 200 मार्क का एक सेमेस्टर, 201 का। अब देखते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट आपको पढ़ना ही है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके बाद फिर से आपको अकाउंटिंग ग्रुप में जाना है। अकाउंटिंग अगर फर्स्ट ईयर फर्स्ट से मिली है तो अकाउंटिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप लिए हैं तो वही कंटिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है, आप बदल नहीं सकते। फिर से सेमेस्टर फोर में आपको इलेक्टिव से लेना पड़ेगा, कंपलसरी सब्जेक्ट सेमेस्टर फोर के ये हैं भाई, बढ़ गए हैं सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड लॉ 1-2 एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी 2। और इलेक्टिव कोर्स में आपको आ जाएगा ऑडिट कोर्स एक लेना है, ठीक है। अब इवेल्युएशन प्रोसीजर शॉर्टकट में बता दूँ, 40 मार्क का लाना है, 80 मार्क का आपका थियरी होता है, 20 मार्क का आपका होम असाइनमेंट होता है, थियरी में से 32 मार्क और असाइनमेंट से 8 मार्क जो बीकॉम में आप फॉलो करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं कि ये देखिए असाइनमेंट का, देख रहे हैं मार्क 80-20-100 का फंडा चलता है, प्रोजेक्ट वर्क से 20 मार्क, ऐसे ऐसे करके 50 मार्क का कंपोनेंट बनता है। इसके डिटेल में एडमिशन लेते हैं समझ जाएंगे। और आपको अगर CGPA बनता, परसेंटेज नहीं बनता है एमकॉम MBA इन सब में, तो आपको बता दूँ CGPA कितना लाना है, कम से कम आपको लाना है 4, लेकिन 4 लाकर मज़ा नहीं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझसे अगर बातें कर रहे हैं, मेरी बातें आप मान रहे हैं, तो कम से कम 7-8 मतलब टॉप के लिए पढ़ाई करो भाई, पासिंग के लिए पढ़ाई करके मज़ा नहीं है। चलो आगे आते हैं सीधा फीस पर। FY की फीस है 3,500, जिसमें 2,000 ऑनलाइन भरना है, बाकी 1,500 आपको स्टडी सेंटर पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट जब करेक्शन कराते हैं उसमें भरना है। एमकॉम फर्स्ट ईयर की फीस है, इससे सस्ता एमकॉम कहीं नहीं देखा मैंने, एमकॉम सेकंड ईयर जिसकी फीस 5,000 रुपये है। अब ये जो 2,000 मैंने आपको दिखाया ना,
उसका ये डायरेक्शन है, और 3000 जो सेकंड ईयर में ये वाली वैल्यू है उसका जो ये क्लैरिफिकेशन है क्यों 3000 कहाँ कहाँ ले रहे हैं। ठीक है, ये फीस हो गई, इंस्ट्रक्शन हो गया। अच्छा, ये मेन चीज़ है भाई, अगर आपको कोई डाउट आता है तो अभी ये रीजनल सेंटर्स हैं अमरावती, 8 रीजनल सेंटर हैं वाई सी में, देखिए 8वां नांदेड़, आप उनसे बात करिए, मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, डायरेक्ट उनसे आप बात करिए। अच्छा, अब एमकॉम की पढ़ाई कहाँ कहाँ होती है भाई, ये काम करना, वीडियो मेरा डाउनलोड कर लेना और इसको पॉज करके देख लेना, अमरावती रीजन में इतने सेंटर हैं, औरंगाबाद में इतने सेंटर हैं, विथ कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर मैंने सब कुछ दे दिया। एक सेंटर पर बात नहीं हो रही, दूसरे सेंटर से बात करके अपना काम निकाल लो। मुंबई रीजन में भाई इतना सेंटर है, देख लो आप लोग, ठीक है, पनवेल में है, पालघर में है, वाशी में है, ठीक है। नागपुर रीजन में आपको इतने सेंटर मिल जाएंगे जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है, वीडियो पॉज करके देख लो। नासिक रीजन में ये है, पुणे रीजन में। अच्छा बता दूँ, एडमिशन इसका भाई जून जुलाई में ही चालू हो जाता है, लेट करके फ़ायदा नहीं, नॉस्टिक कॉल करते रहे, जून में एडमिशन चालू हो जाता है। पुणे रीजन का ये है, कोल्हापुर का ये है, अच्छा ऑनलाइन जब आप एडमिशन लेते हैं ना, स्टडी सेंटर जो कोड है, इस कोड से आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी जाएंगे तो सब कॉलेज का एड्रेस और नंबर मिल जाएगा, पता कर लेना, कहीं कहीं कुछ कुछ कॉलेज डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो एडमिशन लेने के पहले कॉन्टैक्ट कर लेना, बात कर लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो मित्रों, मेरा प्रयास है कि आप अच्छे से एमकॉम कंप्लीट करो, आपको कोई डाउट आए तो मुझे कमेंट करिए, और यह वीडियो अपने मित्रों को फॉरवर्ड करिए ताकि उनको सब कुछ पता चल जाए, क्या सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ाई होती है, क्या सेंटर, अब सेंटर पर जाकर के आपका क्लास चलेगा, कॉलेज चलेगा, संडे संडे डाउट्स क्लियर होंगे और बाकी सब हो जाएगी। और आप अपने सुझाव देते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए, मेरा यह उद्देश्य है कि महाराष्ट्र के सभी स्टूडेंट का भविष्य उज्जवल हो, एमकॉम करने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।